पश्चाताप का अर्थ है जो आपने किया उसके लिए पछतावा। यदि आप चोरी करते हैं तो आप चोरी के लिए पछता लेते, आप हिंसा करते हैं तो आप हिंसा के लिए पछता लेते। आपको दोष अपने दुष्कृत्य में अवश्य दिखता है किंतु अपने आप में नहीं। क्योंकि दोष आप अपने से बाहर ढूंढते हैं, उसके कारण अपने से पृथक करके देखना चाहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपने अहम को, अपने अहंकार को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? और इसके लिए सबसे सरल माध्यम बन जाता है पश्चाताप। तपस्या तो सभी करते हैं किंतु केवल अपने स्वार्थ। कोई भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करता। कोई भी तपस्या इसलिए नहीं करता कि उसकी भक्ति उसके आराध्य तक पहुंच जाए। मृत्यु चाहते हो, मुक्ति चाहते, किंतु मृत्यु से मुक्ति प्राप्त नहीं, ना ही मृत्यु जीवन का अंत होती। सृष्टि ही जीवन, प्रकाश ही जीवन। और यदि जब हम नेत्र खोले और हमें प्रकाश की अनुभूति ना, तो इसका यह अर्थ नहीं कि प्रकाश कहीं नहीं। प्रकाश है, आवश्यकता है तो अपने नेत्र खोलकर अंधकार को परे देते। इस संसार में उन्नति तभी संभव है जब इस संसार में समानता हो, बराबरी। यदि कोई सर्वशक्तिशाली ही नहीं रहेगा तो कोई निर्बल नहीं होगा। यदि कोई बड़ा नहीं होगा तो कोई छोटा ही नहीं रह पाएगा। शक्ति के इस संतुलन को संतुलित रखना अनिवार्य है, क्योंकि ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति व्यक्तिगत होती है। वो केवल अपने स्वार्थ, अपने उद्धार तक ही सीमित रहती। ईर्ष्या ही वो विष है जो व्यक्ति के हृदय में ना हारने की महत्वाकांक्षा को जन्म देती। जीतने की इस व्यवस्था से ग्रसित मनुष्य धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित का ज्ञान भूल जाता है। संवेदना करुणा भूल जाता है। उसे स्मरण रहता है तो केवल जीतना, भले ही वो छल कपट के माध्यम से ही क्यों ना हो। एक असुर था एग्रिप। एक दिन वो ब्रह्मलोक गया। और बड़ी ही चालाकी से उसने ब्रह्मदेव से चारों वेद प्राप्त कर लिए। और जाके समुद्र में छुप गया। क्योंकि सारा ज्ञान वेदों में निहित है, इसलिए संसार से सारा ज्ञान चला दिया। जब अज्ञानता का अंधकार फैलता है तो अधर्म बढ़ने लगता है। भगवान विष्णु सब देख रहे थे, उन्हें ज्ञान था कि शीघ्र पृथ्वी लोक पर प्रलय आने वाला है। एग्रीव के साथ चारों वेद भी लुप्त होने का भय था। ब्रह्मदेव सृजन करता है, वेदों के अभाव में पुनर्जन्म की प्रक्रिया को पुनर्स्थापित करना अत्यंत कठिन।
इसीलिए हैग्रीव से उन वेदों को पुनः प्राप्त करना अनिवार्य था। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? भगवान विष्णु ने एक मत्स्य रूप धारण किया। वो एक मछली बने और नदी में उतरे। राजा सत्यव्रत स्नान कर रहे थे, एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। इतनी छोटी मछली? भगवान विष्णु? हाँ, राजा सत्यव्रत उस मछली को जल में छोड़ने जा ही रहे थे कि उस मछली ने बड़ी मछलियों का भय जताते हुए उनसे विनती की, उनसे कहा कि वो उसे अपने साथ ले चले। राजा सत्यव्रत अत्यंत दयालु थे, मछली को अपने कमंडल में शरण दे दी। महल में किंतु रात भर में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में रह पाना उसके लिए संभव ही नहीं था। और उसका बड़ा आकार देखने के पश्चात राजा सत्यव्रत ने उसे कमंडल में से निकालकर एक मटकी में डाल दिया। मटकी में डालने के पश्चात उसका आकार पुनः बड़ा हो गया, तो राजा सत्यव्रत ने उसे मटकी में से निकालकर एक सरोवर में रख दिया। किंतु उस एक ही रात में सरोवर में रखने के पश्चात भी उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे नदी में रखना पड़ा। किंतु नदी में रखने के पश्चात भी उसका आकार पुनः बड़ा हो गया और इतना बड़ा हो गया कि यदि उसे महासागर में नहीं रखा जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। राजा सत्यव्रत उसे महासागर की ओर ले गए। क्योंकि राजा सत्यव्रत तपस्वी थे, ज्ञानी थे, उन्हें आभास हुआ कि ये कोई साधारण मछली नहीं, स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ही है। भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत की उदारता से अत्यंत प्रसन्न थे, इसीलिए उन्होंने राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप धारण करने का कारण बताया। साथ ही उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि आज से सातवें दिन प्रलय आएगा, समस्त पृथ्वी जल में समा जाएगी, किंतु आप सप्त ऋषियों के साथ साथ अनाज वनस्पति व अशुद्धों की प्रत्येक प्रजाति के बीज और प्रत्येक पशु का एक एक जोड़ा लेकर एक विशाल नौका में सवार होकर मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। केवल एक ही स्थान ऐसा होगा जिसकी ऊंचाइयों को जल छू नहीं पाएगा। मैं लौटूंगा और आपको वहां लेके चलूंगा। ऐसा कौन सा स्थान था? हिमालय पर, अर्थात तुम्हारी माता के पिता हिमावत। फिर क्या हुआ? ऐसा कह के भगवान विष्णु समुद्र में चले गए और अपने मत्स्य रूप में उन्होंने हैग्रीव को ढूंढ निकाला। उस दुष्ट का वध करके वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। तो क्या प्रलय आया? हाँ, ठीक सातवें दिन। किंतु भगवान विष्णु के आदेश अनुसार राजा सत्यव्रत एक विशाल नौका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी विष्णु जी एक सींग वाली विशाल स्वर्ण मत्स्य रूप में प्रकट हुए। नौका को मत्स्य से बांधते हेतु सर्पराज वासुकी का प्रयोग किया गया और विष्णु जी ने अपने वचन अनुसार उन सबको हिमालय तक सुरक्षित पहुंचाया, ताकि प्रलय के पश्चात वेदों के आधार पर संसार पुनः बसाया जा सके। राजा सत्यव्रत मनु कहलाए। मनु अर्थात मानव जाति के प्रजनक। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने न केवल वेदों को पुनः प्राप्त कर अपितु समस्त संसार का कल्याण भी। अर्थात भगवान हर संकट में अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं।
अस्थिरता तो केवल अविश्वास से आती है। स्थिरता के लिए विश्वास अनिवार्य। विश्वास और शांति की निरंतरता बनाए रखना कैसे संभव है? इस नकारात्मकता का प्रसार हम कैसे रोकें प्रभु? केवल इस जागरूकता से कि सब कुछ अहम से संबद्ध नहीं। जब भी किसी व्यक्ति के कार्य में अहम भाव प्रबल हो तो अहंकार व्यक्ति जैसा भी हो उसे अस्तित्व केवल वैसा ही प्राप्त होता है। व्यक्ति यदि अपने कर्मों के लिए अपने को उत्तरदायी समझे तो वह स्वतंत्र था। जब तक व्यक्ति किसी और को उत्तरदायी समझेगा तब तक वो निर्भर रहेगा। व्यक्ति यदि ये सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो सुखी कैसे रह पाएगा? यह असंभव है क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना उसके वश में नहीं। वो तो केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। यही एक स्वतंत्रता है उसके पास। जो पीड़ा है जो कष्ट है वो व्यक्ति के अपने फल है, अपने निर्णय के फल। और जिस दिन वो अपने निर्णय परिवर्तित कर ले उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन भी आ जाएगा। जिन्होंने जीवन की प्रति घृणा सिखाई उन सभी व्यक्तियों ने पृथ्वी को नरक बनाने में अपना योगदान दिया। इसलिए अधिकांश व्यक्ति अपने दोष अपनी त्रुटियां और अपनी व्यर्थता को जीवन पर आरोपित कर मुक्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन ऐसा ही होता है और उसके समक्ष को विवश। वो ये नहीं समझते कि वो जिन प्रवृत्तियों को लिए वो प्रवृत्तियां दुख को जन्म देने वाली वृत्तियां हैं। वो अपनी अज्ञानता के गहराई से अनभिज्ञ है और वो अपने अहंकार में ये स्वीकार नहीं कर पाते कि वो तो कुछ जानते ही नहीं। अहंकार सर्वज्ञता का भ्रम उत्पन्न करता है। न जानने की स्वीकृति बहुत बड़ी विनम्रता है और वही पवित्रता भी है। हमें संसार में संतुलन को बनाए रखने के लिए पवित्रता के आधिक्य की आवश्यकता है। किंतु प्रभु इस पवित्रता में कौन से लक्षण अनिवार्य हैं? अनेकों लक्षण है किंतु इन परिस्थितियों में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है सतित्व। सकारात्मक ऊर्जा का सबसे पावन स्वरूप सतित्व। इस सतित्व पर मात्र विश्वास ही पर्याप्त है व्यक्ति को सुरक्षित रखने के। एक बार व्यक्ति सतत्व पर विश्वास कर ले तो नकारात्मकता सदैव के लिए दूर हो जाती और संतुलन स्थापित होता है। अहंकार तो हानिकारक है ही किंतु सतत्व पर अहंकार घातक होता है। जहां ना अमृत ना विष ना सुख ना दुख ना स्वर्ग ना नरक वही परम आनंद है। उसी परम आनंद तक की यात्रा है तुम्हारी। ये यात्रा आनंद के सानिध्य की है। ये यात्रा सानिध्य के आनंद की है और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं। मुझे ढूंढो मत केवल पहचानो तुम ही मैं हूं मैं ही तुम। हर आरंभ का मैं ही अंत हूं।
और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंबित होता है जो जल शांत स्थिर। यही तो समस्या होती है मन की, मन कभी भी शांत नहीं हो पाता। जहां शांति नहीं वहां कुछ भी नहीं रुकता। समुद्र की लहरों की भांति विचारों का उपद्रव मन को निरंतर स्थिर रखता। कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता। वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता। प्रतिपत्ति शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहां जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता। साक्षल तुम्हारी अपनी इच्छाओं ने किया है, तुम्हारे हट ने किया है, तुम्हारी अपनी सोच ने किया है। ये रहस्य नहीं कि प्रत्येक आत्मा मुक्ति की इच्छुक होती है। जो मरता है वो है पंचभूतों से निर्मित शरीर। किंतु आत्मा, आत्मा तो अजर है, अमर है। जिसकी यात्रा मोक्ष पर संपूर्ण होगी, जहां सांसारिक बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सारी इच्छाएं लुप्त हो जाती। किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं की। तुम तो सदैव उन तत्वों को ढूंढते रहे जो तुम्हारे अहंकार के पोषण हेतु आवश्यक थे। किंतु सत्य तो यही है कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी के। जो है वो परमात्मा का है, और जो नहीं वो भी परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो, किंतु इस शरीर के पूर्व तुम्हें इस सत्य का बोध था और इस शरीर के पश्चात भी रहेगा। प्रश्न ये है कि क्या तुम इस सत्य को अभी स्वीकार करना चाहते हो? यदि करते हो तो परिवर्तन का मार्ग स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। आजीवन तुम प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते रहे, परोक्ष सदैव महत्वहीन रहा। तुम्हारे पास यही अवसर है। भक्ति हेतु यदि कुछ अनिवार्य है तो केवल भक्ति ही। किंतु प्रश्न ये है कि क्या आपकी भक्ति संपूर्ण है? विश्वास और भ्रम के बीच की रेखा अत्यंत महीन होती है। असंख्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाते कि उनका विश्वास विश्वास है या भ्रम।
मुझ तक पहुंचने के लिए किसी और की आराधना अनिवार्य नहीं। मेरे सच्चे भक्त तो मुझे किसी भी रूप में पूज सकते हैं, किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। नमः शिवाय। पुरुष और प्रकृति एक है, वो कभी पृथक नहीं हो सकते। शक्ति शिव के बिना अधूरी है। शिव तो शक्ति के बिना शव के समान है। शिव शक्ति पुरुष प्रकृति का संतुलन सदैव अनर्थकारी सिद्ध होगा। शरीर में यदि स्त्री तत्वों की ऊर्जा नहीं तो शरीर निर्जीव है। शिव के संपूर्ण रहस्यों को समझ लेना भक्ति ज्ञान और तपस्या की पराकाष्ठा है। जब ज्ञान के लिए शब्द पर्याप्त ना हो, उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है। केवल आपके लिए ही नहीं अपितु आपके माध्यम से समस्त संसार को शिव और शक्ति की संयुक्ता से पुनः अवगत कराना इस प्रसंग का उद्देश्य था। महादेव चुप। सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है। अपने निजी पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं है। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने, किंतु हम स्वयं धीरे धीरे उस पर अपने क्रोध, अपने अहम भय, विचार और महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण चढ़ा देते हैं। सत्य हमसे नहीं, हम स्वयं सत्य से दूर हो जाते हैं। अज्ञानता का प्रथम लक्षण है। इस प्रकार भरे हुए पात्र में कुछ नहीं समाता। उसी प्रकार ज्ञान के अहंकार से भरे मन में अधिक ज्ञान नहीं समाता। जहां प्रश्न नहीं वहां जिज्ञासा नहीं, और जहां जिज्ञासा नहीं होती वहां ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती। संकोच होकर पूछिए, प्रभु आप तो कालोपरि हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। चारों ओर ये जो अज्ञान का अंधकार फैल रहा है उसमें ज्ञान का मूल अर्थ कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है प्रभु, किसी अन्य विषय पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व हमारे और इस समस्त संसार के कल्याण और मार्गदर्शन हेतु आप ज्ञान की मूल परिभाषा से एक बार हमें पुनः अवगत करवाएं। ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ज्ञान और अज्ञान की विशेषताओं का स्मरण करना आवश्यक है। जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो वह ज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाए वही ज्ञान है। ज्ञान की शक्तियां दुरुपयोग करने हेतु प्रेरित करती हैं, किंतु जो अपनी शक्तियों और अपने सामर्थ्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझाए, जो ना केवल अपने अपितु अपने से पहले संसार के उद्धार हेतु प्रोत्साहित करे वो ज्ञान है।
ज्ञान का मूल उद्देश्य ही परोपकार है। सृजन है दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना, यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान हमें ना केवल अपना अपितु दूसरों के दुख और सुख के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। किंतु जो दूसरों की भावनाओं का अनादर करे, उसे ज्ञान की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? अज्ञान के कारण व्यक्ति सांसारिकता में बंधता जाता है, वो माया में उलझता जाता है। अज्ञान परम सत्य से दूर ले जाने का माध्यम है, किंतु ज्ञान व्यक्ति को परम सत्य की ओर ले जाता है। ज्ञान मुक्तिदायक है, मोक्ष का मार्ग और इस मुक्तिदायक ज्ञान का सर्वोच्च रूप है आत्मज्ञान, और यही ज्ञान की पूर्णता भी है। ज्ञान और अज्ञान का भक्ति का उचित मार्ग बताए हमें, ताकि मेरी भांति दूसरा कोई भूल ना करे। भक्ति मुक्ति का आधार है पुष्पधर, और मुक्ति तो केवल समर्पण से ही संभव होगी, और समर्पण के लिए पुष्प नहीं, स्वर्ण नहीं, आभूषण भी नहीं, रत्न नहीं, धन विधि विधान नहीं, केवल अपने मन को अर्पित करना अनिवार्य है। जानना चाहते हो पुष्पधर कि वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं? इंद्रियों का नियंत्रण, दया, जान, तप, क्षमा, ध्यान और सत्य। और जब कोई मेरे इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। में भव्यता आवश्यक नहीं है पुष्पधर, अपितु सरलता आवश्यक है। भक्त के लिए ये समझना अत्यंत कठिन हो जाता है, प्राय भक्ति कब मोह में परिवर्तित हो जाती है, और ऐसे में पथ भ्रमित होना